इसका वही जम्पर लगा कर दिखाता हूँ, पिक्चर आई या नहीं आई। दोस्तों मैंने इसमें एसटीवी और वही पर दोनों जम्पर लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, एक जम्पर वही, एक एसटीवी। इन्हें मैंने साइड कॉप से कनेक्ट किया है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं आ रहा था, बैक लाइट जल रही थी। इसका मॉडल नंबर पैनल का देख सकते हैं, HV320WX2, ये BOE का पैनल है, सैमसंग टीवी 32 इंच। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ पिक्चर आई या नहीं आई। देखिए दोस्तों, ये दोनों जम्पर लगाते ही एसटीवी OE1 जम्पर लगाते ही स्क्रीन में पिक्चर आ गई है। तो इसमें हमें जो फॉल्ट मिला वो एसटीवी सिग्नल और OE सिग्नल साइड कोप में नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से इसमें डिस्प्ले नहीं बन रहा था और बैक लाइट ओके थी। मैं इसका मॉडल नंबर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डिस्प्ले बन गया है। दोस्तों जब इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था तब मैंने इसका VGH जो कि यहाँ पर है आप देख सकते हैं, वी ऑन, वी रेफरेंस, जी रेफरेंस, XAO, यहाँ पर सभी DC to DC IC वर्क कर रही थी, सभी वोल्टेज प्रॉपर बन रहे थे, लेकिन डिस्प्ले फिर भी नहीं आ रहा था। साइड कॉफ को चेक करने पे जब मैंने इसको टच किया OE सिग्नल को, STVD सिग्नल को, तो स्क्रीन में थोड़ा सा सुधार आया, यानी कि थोड़ा थोड़ा टच करने से डिस्प्ले दिखाई दिया। तब मैंने ये STV OE सिग्नल साइड कोप से जम्पर लगा के पैनल से डायरेक्ट लगा दिया, और ये लगाते ही देख सकते हैं आप पिक्चर ओके हो गया। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें सारे वोल्टेज लिखे हुए हैं, CPV, OE1, OE2, STVD, STVU। कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना, और इस तरह आप भी अपना नो डिस्प्ले वाला टीवी LED टीवी रिपेयर कर सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।